बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिमेनिंग पार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग बोहर मॉडल बनाना सीखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। सबसे पहले ओपन योर पेज नंबर 33, सेल्फ असेसमेंट 2.1। इसमें आपको क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, ड्रॉ बोहर मॉडल ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। कभी भी आपको जब कोई कहेगा कि आपने बोहर मॉडल को ड्रॉ करना है, तो वो कोई भी एटम देगा, उस एटम का आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और उसका एटॉमिक मास आपको बताया गया होगा। अब यहाँ पर इन्होंने पहला एटम दिया हुआ है कार्बन। अगर आप ए को देखेंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर है इसका 6 और मास है इसका 12। बोहर मॉडल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का नंबर वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, सो वी विल राइट 6 हियर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सो इट विल बी ऑल्सो 6। नाउ यू हैव टू राइट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? जब हम एटॉमिक मास में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर, सो दैट विल बी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक न्यूक्लियस बनाया, जैसे कि एटम में होता है। फिर उसके बाद हमने ऑर्बिट्स बनाने, ऐसे सर्कल्स बनाने हैं। ये सर्कल्स हम ऑर्बिट्स इसको बोलेंगे। सही, सबसे पहले इस न्यूक्लियस के अंदर हम लिखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सही, और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। वी विल राइट हियर 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? वी विल राइट 6 हियर। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले शेल में हमेशा 2 आते हैं, ये हो गए 2, और बाकी रह गए 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विच इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। सो ये जो हमारे पास बना है, ये है बोहर मॉडल, हमने बना के दिखाया। ठीक, नाउ अब आप देखेंगे, ये इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। सेल्फ असेसमेंट 2.1 आप लोग अब खुद सॉल्व करेंगे, बाकी जहां भी आपको वो बोहर मॉडल बनाने के लिखेंगे, सेम इसी पैटर्न से आप करेंगे। सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखते हैं, फिर आप बताते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं और न्यूट्रॉन्स बताते हैं। न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना, फिर जो भी आता है वो क्या आता है? हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेज नंबर 36। ओपन दिस पेज प्लीज। अच्छा, हमने ये बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक न्यूक्लियस है, तो इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं सर्कल्स में। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट, पहले में 2, 8 और इसी तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चलती जाती है। सही, तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो सर्कल हैं, इनको हम लोग शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं और हम इनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। यू कैन से शेल और ऑर्बिट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इन शेल और ऑर्बिट्स की अपनी अपनी एनर्जी होती है। हमने ये बोहर मॉडल में भी पढ़ा था कि हर शेल की, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में मूव करता है, उसकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। इन शेल को हम कह सकते हैं शेल 1 2 3, जैसे ये है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम इन केमिस्ट्री इन शेल को हम डोनेट करते हैं एन से। एन का मतलब क्या है कि एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कोई भी नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एटम में जो शेल है उस हिसाब से। कि अगर एटम में 3 है, फॉर एग्जांपल इस वाले जो मैंने ये ड्रॉ किया है, इसमें 1 2 एंड 3 है, तो एन कहाँ है? एन 1 ये है, एन 2 ये है, एन 3 ये है। जब एन 1 होगा तो इसका मतलब है कौन सा शेल है? के शेल। ठीक, जब एन 2 होगा तो कौन सा शेल है? एल शेल। जब एन 3 होगा तो कौन सा शेल है? एम शेल, एंड सो ऑन।
सही, ये हमने बस इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सपोज किया हुआ है कि ये हम इसको n से डोनेट कर सकते हैं. n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 और n 1 है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है ये वाला जो ऑर्बिट है ये k है, ये l है, ये m है और इसके आगे जितने भी होंगे. ठीक, ये शेल्स हैं, ये है क्या है शेल. अब शेल को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है किस चीज में, सब शेल्स. सब शेल्स, अब सब शेल्स कौन से होते हैं, सब शेल्स भी चार होते हैं, एस पी डी और एफ. ये चार क्या है सब शेल्स. के एल एम एन क्या थे शेल्स, और ये चार क्या है एस पी डी एफ क्या है सब शेल्स. अब इन शेल्स की भी अपनी एनर्जी होगी. सही, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं शेल्स में और सब शेल्स में. मतलब जिस तरीके से हम अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में और सब शेल्स में, उस तरीकों को हमने नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. अब सबसे पहले को सीखने से पहले एक और अहम चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो एस शेल होता है, सॉरी सब शेल होता है, इसके अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो. और जो पी शेल होता है इसमें हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14. मतलब क्या है कि जो एस सब शेल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो से ज्यादा नहीं हो सकते लेकिन दो से कम हो सकते हैं. मतलब 1 हो सकता है पर 3 नहीं हो सकता. सिमिलरली जब हम पी सब शेल की बात करें तो पी के अंदर 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता. इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 से छोटे इवन 1 भी आ सकता है, लेकिन 11 नहीं आ सकता, 11 कभी भी नहीं आएगा, 11 के लिए उसको अगले शेल पे चला जाना पड़ेगा. एफ में 14 आएंगे, 14 से नीचे 1 भी आ सकता है, 2, 1 से लेकर 14 मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते. ठीक, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट सब शेल्स ऑफ एन एटम. चलें, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाना है. आपने आपने लिखना है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. ठीक है, फिर आप यहां पे दोबारा लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. फिर यहां पे दोबारा लिखेंगे 3d, 4d, fd, सॉरी 5d, 6d, 7d. नेक्स्ट होएगा 4f, 5f, 6f, 7f. ये टेबल बनाना है आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए. ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी पेंसिल लेनी है कोई भी, इसको क्रॉस करते जाना है, डायगनल बनाते जाना है. डायगनल बनाने का मतलब क्या है कि मैं यहां से लाइन स्टार्ट करूंगी और यहां पे लेके जाऊंगी और इधर मैं एरो डालूंगी. ठीक है, और मेरी इस लाइन के अंदर जितने ये चीजें आती जाएंगी ना उसको मैंने लाइन के अंदर ही लेते जाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लगा दी, दूसरी देखो यहां से लगा रही हूं तो ये अपने अंदर किसको लेके जा रहा है, 2s को. अब यहां से जब लगाऊंगी 2p और 3s दोनों उस डायगनल में आ रहे हैं. ठीक है, एरो ऐसे. अब यहां से जब लगा रही हूं तो यहां पे 3p और 4s आ रहा है, ये तीनों इस लाइन में आ रहे हैं. ये यहां से अगर देखूं तो 4d, 5p, 6s ये तीनों आ रहे हैं. फिर ये चार आ रहे हैं इस लाइन के अंदर. मतलब जितने कवर होते जाएंगे उसको लाइन के अंदर ही लेते जाना है. ठीक है, लाइक दिस. यहां से लाइन लगाई, जहां पर लेकर गई उसके अंदर जितने भी कवर होते जा रहे हैं उसको अंदर ही ले जाती रही. अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन ही ले लेते हैं. ठीक है, कार्बन. अच्छा बच्चे, एक और बात जो याद रखने वाली वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको हमेशा एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है. एटॉमिक मास नहीं लिखना, हम हमेशा गलती करते हैं जब हम एटॉमिक मास को ले आते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको हमेशा एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए क्या है. अब मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, हमने पीछे भी पढ़ा. अब मैं लिखती हूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ लुक,
मुझे 6 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं. सबसे पहले मैं लिखूंगी ये 1s कोमा, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने आपको भी बताया था s के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लिख दिया. नाउ अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है. देखो मैं इधर से आई इधर गई, अब मैं फिर इधर से इधर जाऊंगी तो नेक्स्ट क्या आएगा 2s, सो आई विल राइट हियर 2s, और फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 कोमा, 2 प्लस 2 4 हो गए, मुझे 6 तक जाना है. सो नेक्स्ट अब देखें, यहां से मैं यहां आई, नेक्स्ट अब मैं इधर दोबारा आ रही हूं, यहां पे क्या है 2p, सो आई विल राइट 2p हियर. अब p के अंदर कितने आते हैं 6, लेकिन मुझे 6 नहीं लिखना, मुझे कितने लिखने हैं 2. व्हाई? बिकॉज मुझे 6 तक जाना था, 2 to 4 to 6. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ कार्बन एटम, सही. अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 08. ये एटॉमिक नंबर्स आपको मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल से आपने देखने हैं, वहां पर आप इसको याद कर सकते हैं. और याद क्या, जब हम साथ साथ मतलब प्रैक्टिस बार बार यूज टू होते हैं तो हमें एक टाइम ऐसा आता है कि हमें याद हो जाते हैं कि ऑक्सीजन 8 है, कार्बन 16 है, सोडियम 11 है, जो भी, सो ऑन. ठीक, सो नाउ लुक हियर, ऑक्सीजन 8 है. अब मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखनी है, ये इसका मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है. एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे. नाउ आई विल हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन. कैसे लिखूंगी दोबारा से ये 1s में कितने हैं 2, नेक्स्ट 2s में कितने आएंगे 2, क्योंकि 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते. नेक्स्ट है 2p, सो आई विल राइट हियर 2p. 2p में कितने होते हैं 6, लेकिन यहां पर अब कितने चाहिए देखें, 2, 2, 4, और फिर कितने चाहिए 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चे कि p में आप ज्यादा से ज्यादा 6 डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन कम आप 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं कर सकते. जैसे देखें ऊपर वाले में हमने 2 किया था, यहां पर हमने 4 किया क्योंकि हमें चाहिए 4 थे. सो 4, 2, 2 इज इक्वल टू 8. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ ऑक्सीजन. हम एक और थोड़ा सा बड़ा एटम मैं ले लेती हूँ, क्लोरीन का. क्लोरीन का बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 17, सही. अब देखो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन कैसे लिखेंगे, 1s में 2, फिर मैं लिखूंगी 2s, 2s में 2, 2p कितने 6, 6, 7, 8, 9, 10, मुझे 7 और चाहिए. सो आई विल राइट 2p के बाद क्या आ रहा है 3s2, नेक्स्ट क्या आएगा 3s2 के बाद क्या आ रहा है 3p. तो आप जरा गिने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कितने रह गए 13, 14, 15, 16, 17, 5 रह गए. सो आई विल राइट हियर 3p5. अब इसको काउंट करें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 5, 17. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ क्लोरीन. इसी तरह सिमिलरली आगे भी जो एटम्स आते जाएंगे उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखते जाएंगे. यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन की. सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट अपना पेज निकालेंगे, पेज नंबर दैट इज 38, पेज नंबर 38 पे आप देखेंगे कि ये इन्होंने सेल्फ असेसमेंट दिए 2.3 डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और उसके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर. इस एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपने कॉन्फिगुरेशन लिखी है. सेम वैसे ही सबसे पहले टेबल बनाएंगे, उस टेबल को देखने के बाद आप उसकी कॉन्फिगुरेशन लिखेंगे. नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट 2.4 भी आपने सेम ऐसे ही करनी है. अच्छा इधर जरा देख लेना है इस चीज को गौर से, यहाँ पे CL37 ऊपर लिखा हुआ है और 17 नीचे लिखा हुआ है. तो 37 इसका एटॉमिक मास है और 17 इसका एटॉमिक नंबर है. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन किसकी बेस पे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे लिखते हैं, एटॉमिक मास की बेस पर नहीं लिखते. आपने हमेशा एटॉमिक नंबर को देख के इसकी कॉन्फिगुरेशन लिखनी है. सेम इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखेंगे. ठीक, नेक्स्ट कम टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के MCQs हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा नेक्स्ट आप ये एक्सरसाइज है, इसके बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे. लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 11 ये आप खुद सॉल्व करेंगे. इसमें कॉन्फिगुरेशन लिखनी है, बोहर मॉडल ड्रॉ करना है जो कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ.
एक चीज आपने देखनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑर्बिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव लो एनर्जी. अब वो कह रहे हैं कि मैं आपको ऑर्बिट्स बता रहा हूं तो इसमें लो एनर्जी किसकी है, तो ये बात आपने याद रखनी है जो मैंने आपको लिख के बताया था, एस पी डी एफ जो था, ठीक है. मैंने आपको कहा था कि ये जो सब शेल्स हैं इनकी अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो हर सब शेल की एनर्जी एक दूसरे से फर्क होती है. एस सब शेल की एनर्जी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी इससे ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा, ठीक है. एनर्जी जो है इन सब शेल्स की डिफरेंट होती है. एस की एनर्जी कम होती है, पी की एस से ज्यादा होती है, एंड डी की पी से ज्यादा, एंड एफ की डी से ज्यादा होती है. सो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सब शेल्स. सो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यही वो पूछ रहे हैं कि विच ऑर्बिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव लो एनर्जी. 2s में एनर्जी कम होगी या 2p में, तो ऑब्वियसली 2s में कम है, 2p में ज्यादा होगी. सिमिलरली इसी तरह आप अगले क्वेश्चन अगले पार्ट सॉल्व करोगे और ये ड्रॉ करेंगे, बोहर मॉडल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे, ये सब आपने खुद सॉल्व करने हैं अपनी नीट कॉपीज पे. और अदर आपको यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन हैं उसके आपको नोट्स दे दिए जाएंगे. आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिट्स बनाना एंड बोहर मॉडल बनाना यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.